बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास सेवन्थ की मैथ के एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1-4 सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ़ कॉस्ट प्राइस ₹2,400, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹2,160। इसमें ए बी सी डी फोर क्वेश्चन दिए गए हैं, चलो अब इन्हें सॉल्व करते हैं। और इन क्वेश्चन के अंदर हमें कॉस्ट प्राइस भी दी गई है और सेलिंग प्राइस भी दी गई है। तो पहले हम लिखेंगे जी कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, ये है ₹2,400 और सेलिंग यानी सेल प्राइस ये कीमत ख़रीद है और ये कीमत फ़रोख्त है। कीमत फ़रोख्त क्या है हमारी, ₹2,160। हाँ जी, अब यहाँ से हमें अंदाज़ा होगा कि एक चीज़ हमने ख़रीदी है ₹2,400 की और बेची है हमने ₹2,160 की, तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस कितना हुआ है हमें, 2400 में से हम माइनस कर देंगे 2160। ये जी यहाँ से आप रफ वर्क कर लेते हैं, माइनस करेंगे इसको, ज़ीरो आ गया। यहाँ से करेंगे टेन में सिक्स माइनस किया फोर आ गया, यहाँ बचा थ्री में से वन माइनस किया टू बच गया, तो ये आ गया हमारे पास 240। ये इसका आ गया जी लॉस, एक तो ये हमने मालूम कर लिया इसका लॉस। अब मालूम क्या करना है, इसे हमने परसेंटेज में लेके आना है, तो क्या लिखेंगे फिर हम, लॉस परसेंट। हाँ जी, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस हमारा कितना हुआ, 240। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, 2400, ये कॉस्ट प्राइस है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 साथ ये परसेंट। अब यहाँ से दो जीरो काट दें, ये कट गई, 24 वन ज़ार 24 वन ज़ार और साथ ये ज़ीरो, तो ये क्या हो गया हमारा, हाँ जी लॉस परसेंट। ये आ गया हमारा 10%, ये आंसर आ गया पार्ट बी इसका। इसी तरह अब हमें लिखनी है कॉस्ट प्राइस यानी कीमत ख़रीद, उर्दू में से कहेंगे कीमत ख़रीद, ये है जी ₹3,500। आगे सेल प्राइस यानी कीमत फरोख, ये है हमारी ₹4,200। अब देखिए, एक चीज़ हमने ख़रीदी है ₹3,500 की और बेची हमने ₹4,200 की, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। हमें कितना प्रॉफिट हुआ, सेल प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा हमारे पास ₹700। ये 700 हमें जो है वो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। हाँ जी, अब हमने क्या करना जी, एक तो ये हमें मिल गया कि हमारा 700 प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट हमने ये परसेंट में लेके आना है, परसेंटेज में। हाँ जी प्रॉफिट, हाँ जी परसेंटेज, हाँ जी क्या फार्मूला लगेगा, ऊपर हम लिखेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ये अब प्रॉफिट 700 है, कॉस्ट प्राइस है हमारी
3500 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 ये 7%। हाँ जी, ये 20 कट गए, ये 20 कट गए। 35 ones are 35, 35 twos are 70 और ये ऊपर वाली लग गई 7 0। तो ये क्या गया हमारा, इक्वल आ गया 20% के। ये आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। ये हाँ जी, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी, पार्ट सी की कॉस्ट प्राइस हमारी ₹45,200। सेल प्राइस है हमारी इसकी ₹46,104। हाँ जी, हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 45,200 की हमने एक चीज़ ख़रीदी है और 46,104 रुपये की फ़रोख्त किया। क्या हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ है, हाँ जी 46,104 में से माइनस कर देंगे 45,200। ये आ गया जी, ये माइनस करेंगे 4 का 4 0 का 0। यहाँ से क्या करेंगे, 11 में से 2 माइनस करें 9, यहाँ गया 5। तो ये आ गया हमारे पास ₹904। अब हमें क्या करना है जी, प्रॉफिट परसेंट मालूम करना है। क्या फार्मूला जी, ऊपर आ जाएगा जो प्रॉफिट है 904 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस है हमारी 45,200, आगे मल्टीप्लाई 100 ये 7%। यहाँ से 20 काट दें, यहाँ से ये 20 काट दें, वंस और आगे आ जाएगा 452 टू टाइम्स 904। तो ये क्या आ गया, 2% हमारा प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट परसेंट। हाँ जी, पार्ट डी हमारा, कॉस्ट प्राइस हमारी ₹9,800, सेल प्राइस हमारी 9,408। तो अब हमें इसमें क्या हुआ, इसमें हमें लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, क्योंकि 9,800 की हमने ख़रीदी है और 9,408 की हमने बेची है। तो फिर क्या होगा, 9,800 में से माइनस कर देंगे 9,408। ये जी, यहाँ से करेंगे लिया 10 में से 8 गए 2, ये आ गया 9, 7 में से 4 गए 3, तो ये आ गया जी 392। ये हमारा हो गया लॉस। अब मालूम हमने करना है जी लॉस परसेंट। लॉस ये हो गया, अब परसेंट में इसको लेके आना है। तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगी हमारी, ऊपर हमारा आएगा लॉस, नीचे आ जाएगा बटे के कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ये 20 काट दें, 10 काट उसका मतलब होता है 10 पे डिवाइड किया है, 20 काट उसका मतलब होता है 100 पे डिवाइड किया है। अब ये आ जाएगा जी 984 टाइम्स, ये 981 और 984 टाइम्स 392। तो ये क्या आ गया, 4% हमारा लॉस परसेंट हो गया जी। चलें क्वेश्चन नंबर 2। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज ₹1,800 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज ₹1,836। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द शर्ट। यानी एक शर्ट हमने ख़रीदी है ₹1,800 की और बेची है ₹1,836 की, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमने मालूम करना है, यानी इसका
नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है। चलें करते हैं इसको सॉल्व। हाँ जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट ये है रुपीज़ 1800। आगे सेल प्राइस कितनी है जी, ऑफ शर्ट रुपीज़ 1836। अब 1800 की हमने ख़रीदी है और 1836 की बेची है, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ हमें जी, 1836 में से हम माइनस कर देंगे 1800, ये आ गया हमारे पास रुपीज़ 36। ये अब मालूम हमें क्या करना है जी, प्रॉफिट 36 आ गया, लेकिन हमने इसको फ़ीसद में लेके आना है। तो लिखेंगे हम प्रॉफिट परसेंट, क्या होगा, ऊपर आएगा प्रॉफिट, नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। ये फार्मूला हमारा, ये 20 के, ये 20 की 18 1 18 18 2 36, तो ये क्या आ गया जी 2%, ये हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन नंबर 3, अली पेड रुपीज़ 32,500 फॉर एन ओल्ड बाइक। अली ने एक पुरानी बाइक ख़रीदी है 32,500 रुपये की, एंड से पेंट रुपीज़ 2,000 टू रिपेयर इट, और उसके मरम्मत कराने पे 2,000 रुपये खर्च किए हैं। देन ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 35,880, फिर उसने उसको 35,880 रुपये की बेच दी है। फाइंड आउट हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, उसका नफ़ा भी मालूम करें और नफ़ा फ़ीसद भी मालूम करें। चलें करते हैं सवाल इसको। हाँ जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल ये है जी 32,500। अब रिपेयरिंग पे ख़र्चा है जी, हाँ जी, तो रिपेयरिंग पे ख़र्चा कितना है जी, रिपेयरिंग पे आया ख़र्चा उसका 2000। हाँ जी, टोटल कॉस्ट कितनी बनी उसकी, ये 32 में ये 2 प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 34,000। ये बनता ना। हाँ जी, अब उसने सेल कर दी है जी, सेल प्राइस क्या होगी उसकी 35,880। हाँ जी, टोटल ख़र्चा हमारा बन गया उस पर 34,000, बेची उसने 35,000 की, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, 35,880 में से माइनस कर देंगे 34,500 को, ये हाँ जी 35,880 में से माइनस करते हैं 34,500 को, 083, ये 1,380 रुपीज़, 1,380 ये आ गया हमारा प्रॉफिट। अब हमें मालूम क्या करना है जी, प्रॉफिट परसेंट, क्या फार्मूला आएगा जी, ऊपर आएगा प्रॉफिट, नीचे आएगी इसकी कॉस्ट प्राइस जो बन चुकी है 34,500 मल्टीप्लाई बाई 100%, यहाँ से 20 गई, यहाँ से 20 गई। अब 345 1,000 4,000 1,380, ये हमारा आंसर आ गया 4%, प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया
4% उसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मदिया परचेज अ टॉय साइकिल फॉर रुपीज 1260। यानी मदिया ने एक खिलौना साइकिल खरीदी है 1260 रुपये में। शी सोल्ड इट फॉर रुपीज 1200 और उसने बेची 1200 रुपये में। फाइंड आउट हर लॉस, उसका नुकसान मालूम करें। एंड लॉस परसेंटेज और नुकसान फीसद मालूम करें। कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी रुपीज 1260 और सेल प्राइस ये हमारी रुपीज 1200। तो हमें क्या हुआ जी, लॉस हुआ, क्योंकि 1260 की ख़रीदी है और 1200 की बेच दी है। कितना लॉस हुआ, 1260 में से माइनस कर देंगे 1200, ये इक्वल आ गया रुपीज 60। ये आ गया इसका लॉस। अब मालूम करने जी लॉस परसेंट, हाँ जी, क्या फार्मूला है, ऊपर आएगा लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ये ज़ीरो काट दें, ये ज़ीरो काट दें, आगे इन दोनों को काट देते हैं, इनको टू पे काट दें, टू फाइव ज़ार टेन, टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व, टू थ्री ज़ार, हाँ जी, अब क्या करेंगे, 60 को ये थ्री पे काट जाएगा, थ्री टू ज़ार सिक्स, थ्री वन ज़ार थ्री, थ्री टू ज़ार सिक्स ज़ीरो, थ्री आ जाएगा 20 को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करें 100 बाय 21। अब हम 100 को डिवाइड कर देते हैं 21 पे, हाँ जी 21 फोर टाइम्स 84, यहाँ से बचिए 16, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे हम ज़ीरो, सेवन पे जाएगा ये जी, थ्री वन पॉइंट लगा हुआ, ज़ीरो लगा देंगे। अब ये जाएगा 6 पे, 126 आएगा, पॉइंट लगा हुआ, ज़ीरो लगाएंगे, 21 ज़ार 21, तो ये इसका आंसर आ जाएगा तकरीबन 4.76%। ये हमारा लॉस परसेंटेज आएगा।